कैसे हम अपने नए या फिर पुराने लैपटॉप के बैटरी को मेंटेन करें ताकि हमको हमारे लैपटॉप से बेहतर बैटरी बैकअप देखने को मिल जाए, और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में जाके 3-4 साल बाद भी आपका बैटरी आपके लैपटॉप को पावर दे पाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको आपके लैपटॉप के बैटरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको आपके लैपटॉप के अंदर बेहतर बैटरी बैकअप मिलने के साथ साथ लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपका लैपटॉप का बैटरी हेल्दी रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो एक्चुअली में एक मीथ आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी ये मानते हैं कि अगर हम अपने लैपटॉप को चार्जिंग में प्लग किए हुए काम करेंगे या फिर गेम्स वगैरह खेलेंगे तो हमारे लैपटॉप के अंदर जो बैटरी है वो डैमेज हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ऐसा क्यों वो लोग सोचते हैं? क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हम देखते हैं कि अगर चार्जिंग को प्लग इन करके हम मोबाइल फ़ोन के अंदर गेम वगैरह खेलते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो बैटरी है वो एक तरफ से तो चार्ज हो रहा है और दूसरी तरफ से आपके बैटरी के थ्रू आपका मोबाइल चल रहा है और बैटरी के ऊपर डबल प्रेशर पड़ता है। तो इसीलिए मोबाइल का जो बैटरी है वो डैमेज हो सकता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन इन केस ऑफ लैपटॉप ऐसा नहीं होता। लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि अगर आप ऑन बैटरी कोई काम कर रहे हो तो बैटरी आपका लैपटॉप के अंदर छोटा सा उतना पावरफुल होता नहीं है कि आपके लैपटॉप के अंदर जो हैवी गेम्स वगैरह है या फिर वीडियो एडिटिंग के काम वगैरह वो अच्छे से वो पावर दे पाए। तो इसीलिए ऑन बैटरी अगर आप कोई काम करेंगे हैवी वाला तो आपके लैपटॉप के अंदर आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब आप चार्जिंग को प्लग इन करके आप लैपटॉप के अंदर कोई हैवी या फिर नॉर्मल काम करते हो तब आपको जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जब आप चार्जर प्लग इन करके काम करते हो तो बैटरी के थ्रू वो पावर नहीं लेता आपका लैपटॉप, आपका लैपटॉप डायरेक्टली एसी अडैप्टर के थ्रू पावर को कंज्यूम करता है। तो जितना पावर आपके लैपटॉप को चाहिए वो हैवी टास्क करने के लिए उतना पावर आपके लैपटॉप उस एसी अडैप्टर के थ्रू कंज्यूम कर पाता है। तो इसीलिए बैटरी के अंदर उतना पावर नहीं होता, लेकिन आप जो चार्जर को प्लग इन करते हो उस बिजली के अंदर बहुत पावर है कि आपका लैपटॉप अपना काम कर पाए। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप जब भी कोई हैवी या फिर नॉर्मल टास्क करो, स्पेशली जब आप कोई हैवी टास्क करो अपने लैपटॉप के अंदर, तो आप अपने चार्जर को प्लग इन करके काम करो तो दो तरफ से फायदा है। पहला फायदा तो ये है कि आपका लैपटॉप के अंदर जो बैटरी हेल्थ है वो ज़्यादा सालों तक टिका रहेगा, यानी कि 3-4 साल तक आपका बैटरी अच्छी कंडीशन में रहेगा। और दूसरा फायदा ये है कि आपके लैपटॉप के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा अगर हम कंपेयर करें ऑन बैटरी यूसेज के साथ। तो सेकेंड जो पॉइंट है आपके लैपटॉप के अंदर अच्छे बैटरी बैकअप को मेंटेन करने की, वो एक्चुअली मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दिया था। तो सेकेंड पॉइंट है कि आप जब भी अपने लैपटॉप के अंदर हैवी टास्क करते हो तब ऑन बैटरी मत करो। एसी अडैप्टर या फिर चार्जर को प्लग इन करके अपना हैवी टास्क किया करो तो आपका लैपटॉप भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा और आपके बैटरी के अंदर भी उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो अगर आज के तारीख में आप अपने लैपटॉप के बैटरी को कम प्रेशर देते हो तो फ्यूचर में जाके आपके लैपटॉप का बैटरी आपके लैपटॉप को पावर दे पाएगा। तो कोशिश किया करो कि जब मूवीज़ वगैरह देखते हो, यूट्यूब वगैरह देखते हो तब ऑन बैटरी देख लिया करो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफिस के जो वर्क एक्सेल वाले काम है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन जो हैवी टास्क है लाइक वीडियो एडिटिंग वगैरह, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, ग्राफिक इंटेंसिव टास्क वो मत किया करो यार, लैपटॉप के बैटरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो शायद आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूँ। तो तीसरा पॉइंट है कि अपने लैपटॉप का बैटरी कभी भी फुल्ली ड्रेन मत किया करो, फुल्ली ड्रेन मत किया करो, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अपने लैपटॉप के बैटरी को बिलो 10% भी मत लाया करो। तो कोशिश करो कि 30-40% के ऊपर ही हमेशा आपके लैपटॉप बैटरी मेंटेन रहे, तो आपके बैटरी का जो हेल्थ है लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन रहेगा और आपका लैपटॉप 3-4 साल बाद भी डैमेज नहीं होगा। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे सारे पॉइंट्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऑन बैटरी हैवी टास्क मत करो, चार्जर को लगा के हैवी टास्क किया करो, और अगर ऑन बैटरी आप नॉर्मल टास्क वगैरह मूवीज़ वगैरह देखते हो तो 30-20% के नीचे मत लाओ, आपके बैटरी को इफ़ेक्ट पड़ेगा। चौथा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला जो पॉइंट मैं आप सबको शेयर करना चाहूँगा वो होगा कि आप जब भी अपना नया लैपटॉप परचेस करने का डिसीजन लेते हो या फिर आपके पास पहले से कोई लैपटॉप है, उस लैपटॉप के अंदर आप बैटरी लाइफ को लेके उतना कॉन्शियस मत रहा करो यार। मैंने देखा है कि लोग जब अपने नए लैपटॉप को परचेस करने का डिसीजन ले रहे होते हैं तो बैटरी लाइफ को लेके इतना ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो
मुझे नहीं लगता कि लैपटॉप के अंदर, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि लैपटॉप के अंदर बैटरी लाइफ उतना मेजर कोई रोल प्ले करता है। हाँ, बैटरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, स्मार्टफोन के अंदर बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन लैपटॉप के अंदर नॉर्मल टास्क वगैरह के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए, हैवी टास्क के लिए अगर बैटरी लाइफ को कंसीडर कर रहे हो तो वो कोई सेंस नहीं बनता। लैपटॉप्स के कैटेगरी वाइज जो बैटरी हेल्थ है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड या फिर उस मतलब फिक्स्ड अमाउंट के आसपास ही होता है। जो मेरा लैपटॉप है आसूस वीवो बुक, उस टाइप के लैपटॉप्स अगर आप परचेस करेंगे तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट का बैटरी बैकअप ही देखने को मिल जाएगा। अगर इसके जैसा कोई और लैपटॉप भी आप परचेस करोगे तो ऐसा टाइप का बैटरी बैकअप ही आपको देखने को मिल जाएगा। हैवी टास्क अगर आप करेंगे ऑन बैटरी तो 1.5 से 2 घंटे और नॉर्मल टास्क के अंदर 4 से 5 घंटे आपको आराम से मिल जाएंगे। और अगर सपोज कीजिए कि आप कोई नोटबुक पीसी खरीदते हो जिसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड अच्छा वाला नहीं है और बेसिकली ऑफिस और स्टूडेंट वर्क के लिए फोकस्ड होता है, तो उस टाइप के लैपटॉप्स के अंदर आपको 8 से 10 घंटे का नॉर्मल यूसेज के अंदर बैटरी बैकअप मिल जाएगा और हैवी यूसेज के अंदर 3 से 4 घंटे का, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको लेके इतना सोचने की क्या बात है, आप लोग अपने दिमाग को क्लियर कर लीजिए और सेट कर लीजिए कि लैपटॉप के अंदर तो लैपटॉप का कैटेगरी समझ के हमारा बैटरी बैकअप हमको फिक्स्ड वाला ही देखने को मिलने वाला है। तो कितना भी हम रिसर्च कर ले, बैटरी बैकअप तो उतना ही मिलेगा। सो बस दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आप सबके साथ बहुत सारा ज्ञान शेयर कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ जिन लोगों के पास लैपटॉप है या फिर लैपटॉप परचेस करने का डिसीजन वो लोग ले रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल करके जा सकते हैं आप अगर आपको मेरे फ्यूचर कंटेंट्स देखने हैं तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड मिलता हूं मैं आप सबसे अगले वीडियो के अंदर।